सीएनजी हो चुकी है बिल्कुल खाली, गाड़ी आ गई है पेट्रोल पर। देखो अगर मैं यहाँ से इसको सीएनजी पे करूंगा अभी ना, देखो। हेलो गाइस, आपका सबका स्वागत है मेरी नई वीडियो। मैं हूँ आपका अपना आसपास, और आज आप देख रहे हैं मेरी एक नई वीडियो। भाई आज की वीडियो भाई होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग। ये खड़ी है अपनी मारुति सुजुकी अर्टिगा VXi CNG। सबसे पहले भाई बता दूंगा आज की वीडियो में क्या होने वाला है। भाई आज देख लो, आज अभी हो रखे हैं 6:24 हो रखे हैं अभी। तो भाई अभी CNG भी खाली है अपनी। देखो आज हम जाने वाले हैं CNG भरवाने, और प्लस ऊपर से मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दी जाए, तो CNG भी भर जाएगी और साथ में वीडियो भी हो जाएगी। ठीक है, तो एक चीज़ से दो निशाने करेंगे आज। क्यों सोच रहा हूँ कि भाई एक व्लॉग टाइप भी शुरू कर दिया जाए अपना बनाना। तो भाई जिन बंदों को व्लॉग टाइप पसंद है वो इन वो इस वीडियो पर दबा के लाइक्स कर देना, ताकि मेरे को और मोटिवेशन मिले, ताकि मैं आपके लिए और वीडियोज व्लॉग्स टाइप बनाता रहूँ। और बाकी आज जो मैं वीडियोज बनाने वाला हूँ वो है कि भाई अपना आज एक वीडियो हो रही है कि एक ड्राइविंग टिप है, कि अगर आप ऐसे हिल पे होते हैं, हिल ड्राइविंग कर रहे होते हैं, हिल के बीच में रुक जाएं, और उसके बाद अगर आपको फिर चढ़ानी हो ऊपर, तो भाई कैसे कर सकते हैं, उस चीज पे होने वाली आज की वीडियो। ये है एक बिहाइंड द सीन ब्लॉग, आप देख रहे हैं आज का शो। शुरू करते हैं आज की वीडियो को, तो लग तो नहीं जाएगी। एंड हाँ गाइस, आज उल्टी निकालने वाला हूँ। जैसे मैंने उस दिन को ना मेरा मुंह गाड़ी का उस साइड था, आज अपनी गाड़ी का मुंह मैं इस साइड करूंगा, मतलब लेफ्ट साइड की साइड। देखते हैं भाई कोई दिक्कत तो नहीं आने वाली, मतलब आपको पता ही है मेरी पार्किंग कैसी है। जो बंदा मेरे को बहुत पहले से फॉलो कर रहा है ना, वो जानता है कि भाई मैं मतलब कहाँ पर वीडियो बनाता हूँ और कौन सी पार्किंग कैसी पार्किंग है। तो भाई अगर तुमने भी सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लो, ऐसी वीडियोज़ तुम्हारे पास आती रहेंगी। देखो आपको दूसरे कैमरा एंगल से दिखाता हूँ भाई। अब तो भाई देखो यहाँ पर ये सीन हो गया, और कार अपनी सक्सेसफुली भाई निकल गई। एक्सपीरियंस के साथ साथ थोड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए ऐसी जगह से निकालने की, बस उसके बाद आप भाई आराम से निकाल सकते हो। भाई बिजली बचाने भी इम्पोर्टेंट है। तो चलो अब चलते हैं भाई सीधा अपनी कार के अंदर, शुरू करते हैं भाई आज की मेन जो वीडियो है उस पर शुरू करते हैं आज बात करना। बाकी गर्मी बड़ी हो रखी है तो एसी भी ऑन करके चलेंगे। एंड हाँ भाई, प्लस आपको इस वीडियो में ये पता चल जाएगा कि ये जो सीएनजी है जो रिजर्व में आ रखी है वो 2 नंबर पे एसी के साथ कितने किलोमीटर चलती है और कितने किलोमीटर नहीं चलती। बाकी देखो सिर्फ 1 सेल पड़ा है अभी, 1 सेल के बाद भी आपको बताऊँ, ये अगर खाली होने से पहले आपको ब्लिंक करना लगेगी, ब्लिंक करना चालू हो जाएगी ये, और उससे पहले खाली नहीं होने वाली मेरे हिसाब से। तो अभी इसमें पड़ी है भाई, पर लेकिन तब भी अभी चलते हैं एक्सपेरिमेंट कर लेंगे रियलिटी में, देखते हैं भाई कितनी चलती है। टाइम भी आप देख लो, यहाँ पर टाइम हो रहा है 6:32 किलोमीटर हो रहे हैं। किलोमीटर आपको मेन दिखाता हूँ मैं, 4980, मतलब 5000 किलोमीटर आज की भाई जो हम निकले हैं आज वो कंप्लीट करके ही घर घुसने हैं, उससे पहले घर नहीं घुसेंगे हम। आज तो भाई ग्रीन लाइट भी मिली जा रही है उस दिन की तरह नहीं जो उस दिन हमारा भाई सीन हुआ था। अगर आपने भाई वो वीडियो नहीं देखी इसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो भाई मैं उस वीडियो के बारे में बात कर रहा हूँ, इसमें मैंने CNG की टैंक टू टैंक माइलेज निकाली थी, वो वीडियो देख लो भाई, बड़ी तगड़ी वीडियो बनी थी वो। भाई देखो यहाँ पर आ गए फिर से स्पीड कैमरा से, देखो जो आपको बताता हूँ ना भाई, ये रहा भाई स्पीड वार्निंग लग रखी है यहाँ पर 60 की स्पीड लिमिट, और भाई देख लो अपनी लिमिट भाई अंदर ही है उसके, 30 तक है अपनी गई कार, मतलब आधी लिमिट से भाई देख लो कितनी आराम से ला रहे हैं कार। बाकी वही एसी भाई 1 नंबर पे करती है क्योंकि ठंड लगने लग गई भाई। इसका एसी ना बहुत जबरदस्त कूलिंग करता है यार, चाहे सीएनजी पे कर लो आप, चाहे पेट्रोल की तो भाई बात छोड़ दो, सीएनजी पर भी भाई आपको चेंज कर देगा कुछ भी टाइम के अंदर अंदर ही, बहुत जबरदस्त कूलिंग करता है यार ये सही में। देखो मेरे से मैं लगा लो 4-5 मिनट इंजन बैठा गया मेरे से 2 नंबर एसी में, और अभी से ठंड लगने लग गई, बताओ आगे जाके क्या होता मैं तो ये सोच लूँ। और सीएनजी भी देखो अभी तक ब्लिंक करने शुरू हुई थी भाई, काफ़ी सीएनजी पड़ी है आज भी। चलो भाई देखते हैं बाकी। तो गाइस मैं अपने लोकेशन पे पहुंच चुका हूँ, आपको दिख रहा होगा नीचे, ये आपको ऐसे क्लियर व्यू नहीं आ रहा होगा लेकिन ये सही में बहुत डाउन हिल है, आपको कैसे बताऊँ मैं, मतलब लगा लो मैं अपनी कार को ना बिल्कुल छोड़ने वाला हूँ। ये देखो यहाँ पर सिर्फ ब्रेक और क्लच पे पैर रखूंगा मैं, और कार अपने आप देखो कितने की स्पीड अचीव कर लेगी, मैंने एक गियर तक नहीं डाला हुआ मेरा, और कार देखो
20 की स्पीड कार ने अपने आप अचीव कर ली यहाँ पर आते ही। तो आप समझ गए होंगे अब कि भाई ये कितनी मतलब डाउनहिल थी, और मतलब इसको अपहिल करने में जब हम आएंगे तो भाई अपहिल में भाई कितनी पावर मांगेगी कार से, और कार अगर बीच में हमारी रुक जाएगी तो भाई कैसे निकालेंगे इसको अपहिल में। मतलब कई कई अबारी होता है ना, आप लगा लो अगर आप न्यू ड्राइवर हो, आप एक्सपीरियंस ना हो, तो भाई आपकी कार जो बीच में टक जाती है कभी कभी, जैसे रेड लाइट वगैरह हो गई तो आप फ्लाईओवर के बीच चढ़ाई वाले एरिया में रुक गए, अब वापसी भाई ग्रीन लाइट हो गई, मतलब आपके आगे का जाम हट गया सिंपली भाषा में लगा लो, तो जाम हटने के बाद आप कैसे कार को उठाओगे कि जो आपके पीछे वाली कार है उसको बिल्कुल भी 1% का भी खतरा ना लगे कि हाँ भाई मेरे आगे जो ड्राइवर बैठा है वो फुल एक्सपीरियंस है, उसकी कार बिल्कुल भी पीछे नहीं आई। भाई कैसे होगा वो बताने वाला हूँ अगली वीडियो में, तो भाई उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और अगर मैं वो वीडियो पहले डाल चुका हूँ तो आपको आई बटन या फिर मेरे यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, वो आपको दिख रही होगी, तो वो वीडियो समझ आके जरूर देखिए, ठीक है। तो भाई अभी आपको थोड़ी सी ब्यूटी दिखाता हूँ यहाँ की, जो मैं जिस लोकेशन पर मैं आया हुआ हूँ, भाई बहुत अच्छी ब्यूटी है यार यहाँ की, और अक्सर मैं यहाँ आता रहता हूँ, मेरे इंस्टाग्राम पर भी बहुत स्टोरीज है यहाँ की, तो जिसने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया वो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। ये देखो साइक्लिस्ट भी सारे आते रहते हैं, ओ भाई आराम से, इसको तो ज्यादा ही लगता है खुशी होगी, गाड़ी अच्छी लग गई इसको। सो गाइस मैं फाइनली पहुंच चुका हूँ जहां मैं आपको बता रहा था कौन सी जगह है ये। ये देखो इसको भाई कहते हैं वॉर सिमेट्री कहते हैं इसको। यहाँ पर देखो भाई कितने सारी कितने मतलब बहुत सारे बंदे यहाँ पर आते रहते हैं, मतलब एंजॉय करने आते हैं, थोड़े बहुत थोड़े पीस के लिए आते हैं, और थोड़े बहुत हमारे ऐसे भी होते हैं जो मतलब वीडियो के लिए बनाने के लिए आते हैं, क्योंकि लोकेशन भाई आपको बाहर निकल के अगर दिखाऊँ, एक बार कार अपनी स्टार्ट ही है अभी, बाहर निकल कर आपको लोकेशन दिखाई जाए एक बार। देखो भाई ये भाई देखो वॉर सिमेट्री है, मतलब सोल्जर्स सारे रिलेटेड है ये एरिया पूरा पूरा आपको यहाँ से दिख रहा होगा। वहाँ देखो भाई कितना सही है भाई, मतलब ये खड़ी है अपनी कार यहाँ पर जिससे हम अभी आए हैं, कार भी अच्छे से गर्म हो रखी है, मतलब अभी जैसे मैं आया हूँ तो कार मतलब जितना डिस्टेंस मैंने कवर किया उसमें अच्छे से मेरी कार वार्म अप हो चुकी है अच्छे से बढ़िया से। CNG भी भाई बिल्कुल अभी मेरे को लगता है यूज अप हुई होगी, थोड़ी बहुत ही हुई होगी ना के बराबर। देखो भाई कितना मस्त व्यू है यहाँ पर, मतलब आप वीडियोस वगैरह बना सकते हैं, तो बिना किसी देर के चलते हैं भाई, अगर अभी तक आपने लाइक वगैरह नहीं करा तो लाइक कर देना। सो गाइस मैं पहुंच चुका हूं अपनी लोकेशन पर, आपको दिख रहा होगा आगे जहां से स्कूटीज आ रही है वो भाई चीज़ है अपनी अपहिल, ऊपर आप देख सकते हैं ट्रेन जा रही है भाई, कितना भाई मस्त जगह है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो दिल्ली जैसे शहर में भी ऐसी जगह आपको कहीं मिल जाएगी, हमने ढूंढ के निकाली है भाई आपके लिए। तो इस बात पे ना इस वीडियो को लाइक कर देना, आपके साथ जगह भी शेयर करता हूँ इन्फॉर्मेशन भी और नॉलेज भी, भाई सबको पता है भाई कैसा अपना चैनल है, सबसे बढ़िया चैनल बनता है अपना भाई अर्टिगा के मामले में, सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आपको और वीडियो आगे देखनी है। बाकी ट्रेन को भाई बाय कर दो सारे, वो देखो वो जा रही भाई ट्रेन, भाई कोई सोच नहीं सकता होगा कि भाई दिल्ली जैसी जगह में आपने ऐसी जगह कहाँ ढूंढ दी भाई। चलो भाई अब बना रहा हूँ मैं अपनी वो वाली वीडियो, अब आपसे मिलूंगा वो वीडियो पूरी खत्म होने के बाद, वो वीडियो कंप्लीट करके मैं आया हूँ जस्ट, और यहाँ पर देखो बड़ा तगड़ा गंदा एक्सीडेंट हो रखा है भाई, ट्रक का पूरा भाई मतलब ट्रक टेढ़ा हो रखा है बिल्कुल, पता नहीं कैसे हुआ भाई ये, पर जिसके साथ भी हुआ है ना भाई, मतलब यार बेचारा वाला ट्रक वाला काम पे निकला होगा घर वालों के लिए भाई खाना वाना के पैसे लेने जमा करने, और भाई यार ऐसे एक्सीडेंट हो गया इतना बुरा, तो भाई यार बहुत बुरा लगा देखकर, लेकिन भाई यही है हमारी विशेष है उसके साथ कि भाई जल्दी से जल्दी जो भी उसका नुकसान ज्यादा मतलब ज्यादा उसको नुकसान हुआ ना हो, और जो भी जितना थोड़ा बहुत नुकसान हुआ वो कवर कर ले यार, हमारी भाई पूरी विशेष है उसके साथ। बाकी भाई आपको भी यही कहूंगा कि भाई कार को आराम से ड्राइव करा करो, क्योंकि हादसा होते हुए टाइम ही लगता भाई, पर तो नहीं चलता कब हो जाए, और ट्रक बेचारा देखो भाई कैसे मतलब दब रखा है साइड को, बहुत बुरा लगा भाई देख कर। तो भाई देख लो फाइनली CNG का जो वो था अपना मीटर था वो होने लग गया अपनी, मतलब अब इसको नीड पड़ गई है रीफ्यूलिंग की, CNG डलवाने में जा रहा हूँ, वो सब आपको दिख जाएगा अगली वीडियो की, भाई मैंने CNG डलवा के इसमें क्या करा क्या नहीं करा, तो वो देखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना, इस वीडियो करता हूँ यहीं पर एंड, और भाई अगर आपको ये व्लॉग्स अगर और चाहिए तो बता दो कमेंट में भाई, स्पैम कर दो कमेंट्स में वी नीड व्लॉग्स, हैशटैग ला दो वी नीड व्लॉग्स, जैसे आपने पिछली वीडियो में चलाया था ना हैवी ड्राइवर ओपी वाला, भाई कसम से कह रहा हूँ यार इतने कमेंट्स आए देख के ना दिल ही खुश हो गया, इस वीडियो में चाहिए हैशटैग वी नीड व्लॉग्स, भाई ये चला देना अपना हैशटैग और कंटिन्यू करेंगे आप आगे भी इस सीरीज को जो अपनी व्लॉग्स की बन रही है, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है करेंगे आपके लिए, बस आपको क्या करना है कमेंट करना लाइक करना है, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, टिल देन बाय बाय। CNG हो चुकी है बिल्कुल खाली, गाड़ी आ गई है पेट्रोल पर, देखो अगर अब मैं यहाँ से इसको CNG पे करूंगा अभी ना, देखो CNG पर आएगी नहीं, अब ये पेट्रोल पर आई है, और अगर अब मैं इसको दबाऊं CNG वाले को,
आई नहीं भाई, सीएनजी पे हो ही नहीं रही है, क्योंकि मतलब सीएनजी पूरी खाली हो चुकी है, टैंक बिल्कुल खाली। तो अगली वीडियो में भरवा रहा हूँ सीएनजी, देखना भाई जीरो सीएनजी से फुल सीएनजी कितने रुपए में आती है। वीएक्सआई सीएनजी अर्टिगा में देखने के लिए सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।